मोदी सरकार शुरू से ही चीन से बाहर निकल रही कंपनियों को लुभाने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री स्तर पर बैठक से लेकर विदेशी कंपनियों से लगातार संपर्क साधने तक मोदी सरकार इन कंपनियों को अपने यहाँ लाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। अब इसका फायदा भारत को होता दिखाई भी दे रहा है। जहाँ कोरोना संकट और चीन की तरफ से लद्दाख सीमा में विवाद पैदा किया गया है, इन्हीं सब के बीच जर्मनी की फुटवेयर कंपनी वॉन वेलक्स ने चीन को एक तगड़ा झटका दे दिया है। वॉन वेलक्स ने चीन से अपना कारोबार समेट कर भारत में उत्तर प्रदेश के आगरा में अपनी दो शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू भी कर दी है। यूपी के मुख्य सचिव आलोक कुमार ने दोनों यूनिट का वर्चुअल उद्घाटन किया। इन यूनिट्स में 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है और अभी तक 2,000 से ज्यादा लोगों को इस यूनिट में रोजगार मिल भी चुका है। वॉन वेलक्स उत्तर प्रदेश में 3 परियोजनाओं पर करीब 300 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी का दावा है कि इससे 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। आलोक कुमार ने कहा है कि ये यूनिट सालाना 50 लाख जोड़ी जूतों का उत्पादन करेंगी। यूनिट की स्थापना आगरा के एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क में भारत के आयोटेक इंडस्ट्री ग्रुप के साथ साझेदारी में की गई है। आलोक कुमार ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के कारण यह संभव हो सका है। चीन से बाहर आ रही कंपनियों को लुभाने के लिए अभी भारत को सबसे ज्यादा टक्कर वियतनाम से मिल रही थी, लेकिन मोदी सरकार के इन प्रयासों से अब भारत को इस दौड़ में वियतनाम को कहीं पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी ने भारत के बड़े बाजार को हथियार बनाकर वियतनाम पर प्रहार किया है, जिससे अब चीन से बाहर आ रही कंपनियां यहां आने का रुख कर रही हैं। इसी के साथ हम आपको यहां ये बता दें कि आंध्र प्रदेश भी अमेरिका, जापानी और कोरियाई कंपनियों के साथ बातचीत में जुटा है। चीन से बाहर आ रही कंपनियों को लुभाने के लिए अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर के राज्य असम ने भी कमर कस ली है। ये सभी राज्य इन कंपनियों को लुभाने के लिए न सिर्फ रोड मैप तैयार कर चुके हैं, बल्कि विदेशी संस्थाओं के संपर्क में रहकर ये सभी सरकारें ये सुनिश्चित करने में भी लगी हैं कि ये कंपनियां अधिक से अधिक संख्या में उनके राज्य में ही आए। कुल मिला के भारत के राज्य भी अपने स्तर पर इन कंपनियों को लुभाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसका फायदा भारत को अब मिलना शुरू भी हो चुका है। उदाहरण के लिए आप जर्मनी की फुटवेयर कंपनी वॉन वेलक्स को ही ले लें। अब आने वाले समय में हमें ऐसी और खबरें देखने को मिल सकती हैं।